ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। 2022 में आपको कुछ बातें याद रखना चाहिए। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप इन बातों को याद रख लेंगे तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आप एक बहुत बड़ी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि 2 सालों से जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में इस महामारी की वजह से, आर्थिक तौर पर, नौकरी के तौर पर, बेरोजगारी के तौर पर, और एक हमारा मेंटल हेल्थ भी, बहुत सी चीज़ें हम डिस्टर्ब देख रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें सही होने की ओर गई हैं और फिर से चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव होती दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर इन बातों को, जो बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, उन्हें अगर आप समझ लेंगे तो शायद 2022 में आपके साथ कई सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। सबसे पहली बात है कि 2022 में अप्रैल और मार्च के बाद बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। तो निवेश के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम शुरू होने वाला है अप्रैल के बाद, अप्रैल मार्च से लेकर दिसंबर तक। बिल्कुल फ्रीली आप जो भी निवेश करना चाहते हैं निवेश करें, चाहे आप शेयर बाज़ार में जाना चाहते हो, या आप ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं, या कोई नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए चीज़ें सोच रहे हैं, निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि इसे जनवरी और फरवरी में टालना होगा। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें अभी से आप करना शुरू करें वो सही टाइम है अप्रैल 15 से लेकर फिर साल के अंत तक, ये चीज़ें आपको खुद पॉजिटिव दिखाई देने लग जाएगी। दूसरी बात है कि इस साल जो कर्ज लेने की जो आपकी प्रवृत्ति है उससे थोड़ा सा बचें आप। जैसे अभी इन 2 महीनों में तो हमें किसी प्रकार कर्ज की ओर जाना नहीं है, जितने सारे कर्ज हैं उन्हें अभी रोक दें, कर्ज लेना और देने से थोड़ा आप बच जाए। क्योंकि अगर स्टार्टअप में ही चीज़ें कर्ज में अगर रहें आप, तो इस कर्ज के साथ पूरा साल जो है वो नेगेटिव वे में जा सकता है। इसलिए अभी थोड़ा ये 2 महीने कर्ज के लिए बचें, कर्ज को टालने की कोशिश करें। आप जितना टालेंगे उतना चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। अब आपको 2 बातें तो समझ आई गई होगी कि ये आपके लिए कितनी खास होगी। अब मतलब है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक बार अपने जीवन में हमसे कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवाएं। स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस लागू है दोस्तों। इसके अलावा अतिरिक्त बात जो है, जो तीसरी बात है, कि किसी भी प्रकार के विवादित स्थितियों से आप दूरी बना कर रखें। जैसे होता है ना कई बार कि जिन विवादों में हमारा कोई लेना देना है नहीं, जिन विवादों में हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन विवादों में हम पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो ऐसे विवादों से जितना हो सके उतना बचना है हमें। अगर आप बचेंगे तो शायद आपके साथ कई सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। तो ओवरऑल इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कई सारी चीज़ें सही हो सकती है और आपके जीवन में एक सकारात्मकता आ सकती है। अगर आपको वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखना, जो भी नाम आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीन पर नंबर चली रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं।